प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए जैक ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का सारे मॉडल प्रश्न पत्र के उत्तर को देख लिया है। आज हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका ये 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, 40 नंबर का। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो पहला है आपका, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो पढ़ना है, ये बता रहा है कि घोड़ा एक पालतू एक पैर वाला खुर वाला स्तनपायी है। एक पालतू घोड़े का प्राकृतिक जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष होता है, जो जंगली में जो था उसमें 10 वर्ष कम है। घोड़ों के दांतों की संख्या से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 5 साल की उम्र तक उसके सारे दांत आ जाते हैं, जिसके बाद वे दांत और भी लंबे हो जाते हैं। घोड़े अपने मुंह से सांस नहीं ले सकती है, उनके कानों में 10 अलग अलग मांसपेशियां होती हैं। घोड़ों के पास लगभग 360 डिग्री चौथरपा दृष्टि होती है। एकमात्र स्थान जो वे नहीं देख सकते हैं वह सीधे उनके पीछे या ठीक सामने है, इसलिए घोड़े के पीछे खड़ा होना असुरक्षित है। घोड़े की दोनों आंखें स्वतंत्र रूप से काम करती है। एक घोड़ा खड़ा होकर सो सकता है क्योंकि वह अपने पैर की मांसपेशी को लॉक करने में सक्षम होता है, जो उसे गिरने से रोकता है। जैसे जैसे घोड़े अधिक पालतू होते गए, मनुष्य ने उनके लिए और अधिक उपयोग विकसित किए हैं, जैसे कि परिवहन के साधन के रूप में सेवा करना। अब इससे पहला सवाल जो कहता है कि पालतू घोड़े का जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर है पालतू घोड़े का प्राकृतिक जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है घोड़े की उम्र कैसे गिन सकते हैं, तो घोड़े की उम्र का पता उसके दांतों की संख्या से लगाया जा सकता है। 5 साल की उम्र तक उनके सारे दांत आ जाते हैं, जिसके बाद वे दांत और भी लंबे हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है घोड़े के पीछे खड़ा होना सुरक्षित क्यों नहीं है, तो इसका आंसर होगा तीसरा का, वे केवल एक ही स्थान नहीं देख सकते हैं जो उनके सीधे पीछे या ठीक सामने है, मतलब पीछे भी वो नहीं देख पाएगा, इसलिए घोड़े के पीछे खड़ा होना असुरक्षित है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है घोड़े इंसानों की मदद कैसे करते हैं, तो जैसे जैसे घोड़े अधिक पालतू होते गए, मनुष्यों ने उनके लिए अधिक उपयोग विकसित किए हैं, जैसे कि परिवहन के साधन, मनोरंजन के स्रोत आदि के रूप में सेवा करना। पांचवा कहता है दिए गए गद्यांश में इनडायरेक्टली के विलोम का पता लगाइए, तो इनडायरेक्टली का होगा डायरेक्टली मतलब सीधे। छठा क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं, तो यहाँ पर यह शब्द दिया हुआ इसका वाक्य है, आप देख सकते हैं लाइव, इसका मतलब है इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, तो लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, खासकर जब आपकी पसंदीदा टीम खेल रही है, मतलब वो मनोरंजन हम लोग कैसे करते हैं उसको एक सेंटेंस में बताता है। बी कहता है रोकता है, इसका मतलब रोकता है, तो नियमित व्यायाम मोटापे और हृदय रोग से बचाता है या रोकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है वाक्य को पूरा करें, तो यह वाक्य को आपको पूरा करना है, तो इसका आंसर है एक घोड़ा पालतू है, तो इसको वाक्य को पूरा हम लोग कैसे करेंगे, घोड़ा पालतू एक पैर वाला खुर वाला स्तनपायी है। बी आपका कहता है कोई घोड़े की उम्र बता सकता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे घोड़े की उम्र का पता उसके दांतों की संख्या से लगाया जा सकता है। अब है राइटिंग, तो राइटिंग में हम लोग देखेंगे कि आठवां नंबर क्वेश्चन है अपने छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए, तो हजारीबाग 9/1/2023 डियर रमेश कुमार लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सब ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी ठीक हो गए, आपके छात्रावास और कॉलेज की एक नई शुरुआत हुई है, आप बड़े हो गए हैं, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको समय के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं। समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी भी व्यर्थ ना जाने दें, यदि एक बार समय
खत्म हो गया तो वह कभी वापस नहीं आता है। अच्छी शिक्षा ले और अच्छे अंक प्राप्त करे और अच्छा समय अच्छे काम और पढ़ाई को दे। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना सीखें, चीज़ों के बारे में मेरी समझ को तेज करें। अपना ख्याल रखो, तुम्हारा भाई दीपक। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें उनके विद्यालय के पुस्तकालय में और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। तो इसमें लिखना टू द हेडमास्टर HS गोपीकांदर, विषय में लिखना है विद्यालय के पुस्तकालय में और पुस्तकें उपलब्ध कराने का अनुरोध। फिर है रिस्पेक्टेड सर, मतलब आदरणीय महोदय, कई अन्य किताबें फटी हुई है और संभालना मुश्किल है, इसलिए कई छात्रों को विषय का सही ज्ञान नहीं है। हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारे स्कूल के पुस्तकालय में कुछ नई पुस्तकें जोड़ी जाए ताकि हम में से कई लोग सही ज्ञान प्राप्त कर सके और कई छात्रों को पाठ्यक्रम को पूरी तरह से शामिल करने में मदद मिल सके। आपका आज्ञाकारी दीपक, कक्षा 10वीं, रोल नंबर 26। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर है मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन वह दिन था जब मैं कॉलेज में स्नातक किया। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की पराकाष्ठा को चिह्नित किया। मैंने हमेशा अपनी डिग्री हासिल करने का सपना देखा था और जिस दिन मैं आखिरकार इसे प्राप्त करने के लिए मंच पर चला गया वह सपना सच हो गया था। उस दिन मैंने जो उपलब्धि और गर्व की अनुभूति की वह अविवरणीय थी। मेरा परिवार और दोस्त मेरे साथ जश्न मनाने के लिए वहां मौजूद थे और यह एक खुशी का अवसर था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। आज भी उस दिन के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मैं खुशियों से भर जाता हूँ। यह वास्तव में याद रखने का दिन था और एक ऐसा दिन जो हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। अब आपका ग्रामर मतलब व्याकरण से क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए उपयुक्त मॉडल से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, मैंने ये तीनों सेंटेंस को चुन के इसमें भरना है। तो यहाँ देख सकते हैं भरा हुआ है। ये पहला लाइन कह रहा है कि मेरी बहन हो सकता है जब वह 5 साल की थी तब नृत्य कर सकती थी। दूसरा कहता है मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ मे भरा जाएगा। फिर है अमन ने बहुत मेहनत की ताकि पास हो सके। 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्य को निर्देश अनुसार रूपांतरित करें, मतलब इसको रूपांतरित करना है। अनीता लिखने में बहुत आलसी है तो इसमें रिमूव टू, टू को हटाना है। तो यहाँ हो जाएगा अनीता इज सो लेजी डैट सी कैन नॉट राइट। फिर है व्हाट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ इन टू एसेप्ट को हटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हर कोई मौत से डरता है, इसका हिंदी है कि काल का भय किसे नहीं होता है। तो इसमें ये इसका मतलब होता है दृढ़ता में, तो इसको हटाना है। तो इसका हो जाएगा हर कोई मौत से डरता है। सी नंबर कहता है राधा ने मुझसे कहा कृपया बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करें, इसमें अप्रत्यक्ष भाषा में हटाना है। तो हो जाएगा उसने मुझसे उस बॉक्स को उठाने में मदद करने का अनुरोध किया। अब आपका है लिटरेचर से मतलब साहित्य से 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़े और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ लिखा हुआ है मैं अनाथ में गली में घूम रहा हूँ, मैं अपने नंगों पैरों के साथ नरम धूप का पैटर्न बनाता हूँ, मौन स्वर्ण है स्वतंत्रता मधुर है। एक उस कविता का नाम बताइए जहाँ से यह उद्धरण लिया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है पहला कि कविता का नाम बताना है जहाँ से लिया गया, तो इसका है अमांडा। फिर बी क्वेश्चन आपका कह रहा है इन पंक्तियों को किसने लिखा है, तो इन पंक्तियों को कवि रॉबिन क्लेन ने लिखा है। सी कह रहा है वह क्या कर रही है, तो वह अपने नंगे पैरों से मुलायम धूप का पैटर्न बना रही है। फिर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन लेंचो को गुस्सा क्यों आया, तो इसका आंसर हो जाएगा
लेंचो एक चित्त था और ईश्वर में उसके अपार विश्वास ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईश्वर उसे 100 पैसे देगा जो उसने उसे मांगा था। यह देखकर कि उसे केवल 70 पैसे मिले हैं, उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए हैं। इससे लेंचो को गुस्सा आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वांडा को दूसरी लड़कियों द्वारा किस तरह अलग देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वांडा को अन्य लड़कियों द्वारा अलग रूप में देखा जाता है। वह गरीब और अकेली लड़की है, वे उसे अपने ही हीन समझते थे, मतलब वे उसे अपने से हीन समझते थे और हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। लड़कियां उसके कपड़े और गंदे पैरों पर कमेंट कर उसे चिढ़ाती थी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्ली का पसंदीदा शगल क्या था। तो वल्ली का पसंदीदा शगल उसके घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर सड़क को देखना था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि जानवरों के साथ घूमना और रहना क्यों चाहता था। तो इसका आंसर है, जानवर शांत और आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपने भाग से संतुष्ट हैं और इसके बारे में कभी शिकायत नहीं करते। कवि मनुष्यों के बीच रहने से विरक्त है, इसलिए वह जानवरों के साथ रहना चाहता है क्योंकि वह उन्हें पसंद करता है। फिर है अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है, होरेंस डेनबी कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो इसका आंसर है, होरेंस डेनबी एक 50 वर्षीय व्यक्ति था जो साल में एक बार चोरी करके दुर्लभ और महंगी किताबें इकट्ठा करता था। वह पेशे से लॉक स्मिथ थे। वह एक अविवाहित व्यक्ति था जो एक हाउसकीपर के साथ रहता था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 19, ट्रिकी की बीमारी के लिए श्रीमती पम्परे किस प्रकार जिम्मेदार है। तो ट्रिकी की मालकिन श्रीमती पम्परे ट्रिकी की हालत के लिए जिम्मेदार थी। वह एक धनी महिला थी और उसने ट्रिकी के लिए महंगी खाने पीने की चीज़ें खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया। उसने उसे इतना खिला दिया कि वह बीमार पड़ गया। उसने कुत्ते को सारी विलासिता भी प्रदान की और उसे कभी कोई व्यायाम नहीं करने दिया। यह सोचती थी कि ट्रिकी कुपोषण से पीड़ित है और इसलिए वह उसे खाने के लिए लगातार खाना देती थी। ट्रिकी बिना व्यायाम किए ही खाता रहा और इससे उसकी भयानक स्थिति हो गई। तो बच्चों, ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।